हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज के इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर एच लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जी हां, अभी तक कि आपने मेरी सभी वीडियोस के अंदर सीखा होगा कि वी लुकअप हम कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप को अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग फॉर्मूलाज के साथ हमने कैसे कैसे यूज किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम एच लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। जी हाँ, एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, यानी कि ऐसा डेटा जहां पर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल के अंदर लिखा हुआ होता है। सो ऐसा ही मैंने एक खूबसूरत सा एग्जांपल लिया हुआ है जहां पर आप देखेंगे कि मैंने मेरे कुछ दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं पहले की वीडियोस में ये ऐसे लिखे होते थे, लेकिन अभी ये ऐसे लिखे हुए हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहां पर उन्होंने अपने अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है ये मैंने यहां लिखा हुआ है, उन उन सब्जेक्ट्स में उन्होंने कितने कितने मार्क्स अचीव किए हैं ये भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने कितने कितने टोटल मार्क्स अचीव किए हैं ये भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। और इसी एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं कि हम एच लुकअप फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। नाउ, अब जैसे मैंने यहां पर डेटा लिखा हुआ है रवि, मैंने अपने इस डेटा के अंदर से अपने किसी एक दोस्त का नाम उठा के यहां पर लिख दिया और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर रवि के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो वी लुकअप से तो ये आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते थे जब आपका डेटा वर्टिकल में होता था, लेकिन आप एच लुकअप से कैसे पता लगाएंगे उसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। जैसे मैंने टाइप किया तो बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो नाम जिस नाम के बेस पर आप आंसर लाना चाहते हैं वो कहां लिखा है। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया जो कि C14 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं और उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, यानी कि आपने जिस नाम को सिलेक्ट किया हुआ है उसके लिए आंसर कहां है। तो मैंने अपनी पूरी की पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एच लुकअप या वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आप अपने डेटा के साथ में हेडर्स को यूज करें या ना करें, इससे फॉर्मूला के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करते हैं तो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन से रो के अंदर आपका आंसर लिखा हुआ है। तो अभी जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर टोटल 8 रो हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रो हैं जिसके अंदर मेरा डेटा लिखा हुआ है। तो मुझे अगर टोटल चाहिए तो टोटल वाला जो रो है वो 8th नंबर पर है, तो मैं यहां पर टाइप करूंगा 8 कॉमा इंडेक्स, यानी कि अगर आप मैच टाइप देखना चाहते हैं कि मैच जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच हो या एग्जैक्ट मैच हो, तो उसके लिए आप 0 या फिर 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि 0 यूज किया जाता है जो हमेशा की तरह आपका एग्जैक्ट मैच यूज करने में मदद करता है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं तो आपका आंसर आ गया 340। देख रहे हैं आप रवि जिसके टोटल मार्क्स हैं 340, बड़ी ही इजीली तरीके से। अब ये डायनामिक होता है, यानी कि अगर मैं यहां पर नाम चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिक इसका आंसर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं राज, देखिए आ गया 299, क्योंकि मैंने फॉर्मूला के अंदर 0 यूज किया था इसलिए ये एग्जैक्ट मैच ला रहा है, अप्रोक्सीमेट की तरह काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप, बड़ा ही खूबसूरत और अजीब तो नहीं, लेकिन ये ऑसम फॉर्मूला है। सो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा, और अगर आपको ये फॉर्मूला और वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि जो नॉलेज मैंने कलेक्ट की है वो मेरे दोस्तों को भी मिलनी चाहिए या मेरे जो नेबर्स रिलेटिव्स व्हाटएवर जो भी हैं जो इनकी पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी होनी चाहिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोज में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला भी लेकर आऊंगा और फीचर भी लेकर आऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।